हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आरती आत्माराम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजभोग और ये राजभोग बनाना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर की स्टफिंग दिख रहे ना यम्मी। तो इसी तरह से ये परफेक्ट राजभोग बनाना आज मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो शक्कर और ये शक्कर में डालेंगे हम 1 लीटर पानी। अब शक्कर को पानी में मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से घोल देना है शक्कर में पानी। और जब पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे केसर का पानी। 7 से 8 केसर मैंने पानी में ऑलरेडी भिगो के रखा था और ये इसमें डाल के हम इसको उबाल आने देंगे। तो 5 मिनट तक उबाल आने देंगे इसे। हमें इसे किसी तरह की तार या चाशनी नहीं बनाना है, बस पानी को उबालना है। पानी उबलने के बाद इसे नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध से हम सबसे पहले बनाएंगे छेना। तो दूध को उबाल लेंगे पहले। ये दूध उबल चुका है, अब इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबल स्पून विनेगर और इसके बराबर पानी लिया है। और ये विनेगर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे और दूध को फाड़ेंगे, इसका छेना बनाएंगे। ये आप दूध देख सकते हैं, छेना अच्छे से बन चुका है हमारा। पानी और छेना अलग अलग हो चुका है। अब एक साफ सुथरी कपड़े में हम इसे अलग कर देंगे इसका पानी। क्योंकि ये पानी बहुत गर्म रहता है तो हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, बस कपड़े को ऊपर की तरफ पकड़ के इसका पानी हम हल्के हल्के हाथ से निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें डालेंगे हम साफ सुथरा 1/2 लीटर पानी। पीने का पानी जो रहता है हमारा, वो 1/2 लीटर तक हम इसमें डाल देंगे और हल्के हल्के हाथ से हमारे छेने को धो देंगे ताकि इसमें जो भी खट्टापन रहेगा विनेगर का वो पूरा निकल जाएगा। और अब हम हाथ से इसे अच्छे से निचोड़ लें। याद रहे, ज्यादा नहीं निचोड़ना है, हमें हमारा छेना ड्राई नहीं करना है, बस हल्के से इस तरह से निचोड़ लें। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बड़ी सी थाली लेना है और इसे हल्के हल्के हाथ से मैश करना है। क्योंकि ये बहुत गर्म है तो ठंडा करते हुए हमें इसे अच्छे से मैश करना है। 8 से 10 मिनट तक इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही हमारे ये जो राजभोग है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा छेना है वो काफी सॉफ्ट हो चुका है। अब आज हम राजभोग के शेप्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बड़े नींबू के साइज का इतना मैंने छेना लिया है। इसको सर्कल करके इसमें अब हम डालेंगे बादाम, काजू और पिस्ता की ये जो छोटे छोटे पीसेस किए हैं मैंने, ये अब इसमें फिल कर देना है, स्टफिंग करना है इसकी। और हल्के हल्के हाथ से इसको सर्कल का शेप देना है। याद रहे, इसमें थोड़ा सा भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम इसको उबालेंगे तब ये टूट सकते हैं ये हमारे राजभोग। तो इस तरह से गोल गोल हमारे ये बना के रेडी कर देंगे। तो ये पूरे शेप्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 किलो शक्कर ली है और इसमें डालेंगे हम इस बार 1.5 लीटर पानी। जी हाँ, पहली बार से इसमें 1/2 लीटर ज्यादा रखना है। जब पानी अच्छे से उबल जाए तब हम इसमें हमारे 1/2 राजभोग डाल देंगे। पूरे नहीं डालना है, इसमें नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि जब ये पकेंगे तब डबल से भी ज्यादा फूलेंगे। इसको स्पेस चाहिए अच्छा उबलने के लिए, तो हम 1/2 करके डालेंगे। इससे हम कम शक्कर में ज्यादा राजभोग बना सकते हैं। इसको ढक के हमें 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबालना है। ये आप देख सकते हैं, डबल से भी ज्यादा फूल चुके हैं ये। और याद रहे, उबलते समय इसमें चाशनी जो है वो कड़क ना बने, इसलिए हम बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे।
इससे हमारे जो राजभोग है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और ये अच्छे से उबल चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर देंगे। और फ्लेम बंद करते ही जो ये राजभोग है वो हम हमारे जो सबसे पहले केसर का पानी बनाया था उसमें हम डाल देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा और ज्यादा कड़क नहीं बनेंगे। और जो बचा हुआ पानी है इसमें फिर से एक ग्लास पानी डाल के हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। और जो बचे हुए हमारी जो शेप्स है इसको हम उबालने के लिए इसमें डाल देंगे और सेम प्रोसेस में हम इसे 10 मिनट तक उबाल लेंगे। और इस तरह से हम हमारे पूरे राजभोग बना के रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं। इसको हम 8 से 10 घंटे के लिए, इसको मैंने ये केसर के पानी में भिगो के रखा था। इसी तरह से ये देख सकते हैं अंदर की स्टफिंग बने हैं ना एकदम परफेक्ट। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।